नमस्कार फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब 2021 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन लेके आया हूं। जो भी भाई और बहन मेरी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूं, इसी चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे फास्ट इसी चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेरा भाई कोई भी हरियाणा से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हो, अगर उसको डीसी रेट जॉब चाहिए तो हमारे चैनल से आप जरूर से जरूर जुड़े रहे, क्योंकि मैं बता देता हूं, इसी चैनल पर डेली किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट का डीसी रेट जॉब्स का नोटिफिकेशन सब आते ही सबसे पहले सबसे फर्स्ट इसी चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो डीसी रेट जॉब्स होती हैं उसकी बहुत ही कम मात्रा में पोस्ट आती है, वो आप तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, इसलिए वहां पर बच्चे उनके अपने सेट हो जाते हैं। इसलिए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे फास्ट तुरंत पहुंच पाए, इसलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आपका टाइम खराब ना करता मैं वीडियो को अब स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आज की वीडियो हमारी क्या रहने वाली है। आज की हमारी वीडियो में मैं बता देता हूं कि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा। 10 तारीख से 31 दिसंबर तक आपका फिजिकल भी फिक्स हो गया था, फिर रिजल्ट भी नहीं आया, और तो फिजिकल किसका होगा ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन रहा है। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम सभी जगह कि सर रिजल्ट नहीं आया पर फिजिकल भी नहीं हो रहा, किस चीज़ का क्या मैटर है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि जो बच्चे बार बार मैसेज कॉमेंट कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आपसे बता दूँ कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपका रिजल्ट है वो डिले होगा। डिले का मतलब ये है कि इसमें गुप्त मात्रा में पता चल रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो दुर्गा शक्ति जो 12 तारीख का पेपर है, संभावना उसके साथ भी बताई जा रही है कि दोनों का रिजल्ट साथ में आ सकता है। अभी तक कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, कि एक ओनली आइडिया लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जो दुर्गा शक्ति का जो पेपर है 12 तारीख को, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ भी आपका रिजल्ट आ सकता है। पहली बात तो ठीक है, और अगली बात मैं बता देता हूँ कि एनालिसिस करने के बाद बच्चों के जो नंबर हमने देखे कि रिजल्ट में कौन कौन सेफ जोन में है, किस किस का रिजल्ट में नाम आएगा, इसके ऊपर हमने थंबनेल रखा आज का। इसके ऊपर मैं बता देता हूँ कि आज जो हम वीडियो बता रहे हैं इसमें हम एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ रहने वाली है हरियाणा पुलिस में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये कट ऑफ कितनी क्या रहेगी मैं आपको पूरा ऑफिशियल दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, जो ये एनालाइज कैटेगरी मार्क्स लिख रखे हैं, ये हमारे खुद के एनालिसिस करने के बाद मार्क्स हमने पुट किए हैं। दोस्तों ये हम खुद का अपना आइडिया दे रहे हैं एनालिसिस, जो बच्चों के कमेंट टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप सभी जगह से हमने कलेक्ट किया सभी के कमेंट, उसके बाद हमने जो कैटेगरी वाइज नंबर निकाले हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे पिछले भर्ती में भी सभी बोल रहे थे वही हमारा करेक्ट हुआ, हमने वीडियो डाल रखी है पीछे की, उसमें भी आप देख सकते हैं और ऑफिशियल रिजल्ट उठा के भी देख सकते हैं। ये हम बता रहे हैं कि दोस्तों अगर किसी भाई को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मैथ की क्लास इस चैनल पर डेली रेगुलर मिलने वाली है। पटवारी ग्राम सचिव के लिए हमारे चैनल पर फैकल्टी ने ओनली मैथ का टारगेट रखा है। मैथ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको मैथ सीखने का मौका इसी चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, आज की कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जर्नल में क्या बताया कि जर्नल में आपके जो मार्क्स है 100 में से 56 से 58 के बीच में रहने वाले हैं। दोस्तों ये कंफर्म है, जनरल कैटेगरी के 56 से 58 के बीच में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी लिस्ट, 55 से 56 के बीच में जाएगी, या 55 जाएगी या 56 जाएगी। बीसीबी की क्या रहने वाली है, 54 से 56 रहने वाली है। बीसीए की क्या रहने वाली है, 52 से 54 रहने वाली है। एससी जो कैटेगरी के मेरे भाई हैं उनका क्या रहने वाला है, उनका है 50 से 52 के बीच में। एक्स सर्विसमैन है जर्नल में, उनका 26 से 28 के बीच में रहने वाला है। दोस्तों ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कम नंबर बताए जा रहे हैं इससे ऊपर भी, क्योंकि दोस्तों हमने आइडिया लगाया है इस कैटेगरी के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस नंबर पे ही टारगेट मिलेगा। आप देखते रहना, जैसे रिजल्ट आता है हमारे कॉमेंट बॉक्स में हम जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रिजल्ट आने में दोस्तों अभी डिले
मिले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं बोला जाएगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरी बात दोस्तों, ग्राम सचिव पटवारी के जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर ओनली मैथ्स के 3 से 4 टीचर आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। ओनली 1 महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ सिखाया जाएगा। जो पीछे के प्रीवियस ईयर में पटवारी और ग्राम सचिव में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर भी एनालिसिस किया जाएगा, पूरा आपको डिटेल से बताया जाएगा कि ग्राम सचिव पटवारी में अब किस टाइप से क्वेश्चन बनने वाले हैं मैथ को लेकर। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम खराब ना करता मैं अब बताता हूँ कि जो हमने मार्क्स बताए हैं 100 में से इतना इतना ये कैटेगरी वाइज रहने वाला है कि जर्नल, BCBA जो भी है, हमने अपने एनालिसिस के ऊपर आपको ये कट ऑफ दी है, और रिजल्ट आने के बाद अपना कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर पक्का दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।